तो दोस्तों, आज हम ऐसे क्रिकेटर की बात करने जा रहे हैं जिसे हम यूनिवर्स बॉस के नाम से जानते हैं। उनको हेनरी के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको पता चला ही होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो जी हाँ, सही पहचाना, मैं क्रिस गेल के बारे में बात कर रहा हूँ। उन्हें गेल फोर्स गेल स्ट्रोम के नाम से भी जाना जाता है। क्रिस गेल का पूरा नाम क्रिस्टोफर हेनरी गेल है। उनका जन्म 21 सितंबर 1979 को किंगस्टन जमैका में हुआ। तो चलिए अब हम बात करेंगे उनके लाइफस्टाइल के बारे में। क्रिस गेल आज अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं। मौजूदा समय में इनके पास दौलत व शोहरत सब कुछ है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी गुजरा जब उनके पास खाने के पैसे भी नहीं होते थे। क्रिस गेल के पिता डुडले गेल एक पुलिसकर्मी थे और माँ सड़क किनारे मूँगफली बेचा करती थी। गेल का बचपन गरीबी में बिता। उनका परिवार एक कच्ची झोपड़ी में अपना जीवन गुजारा करते थे। परिवार की मदद के लिए गेल ने क्या किया, कचरे से कबाड़ बीनते थे वो और उसे बेचकर वे पैसे कमाते थे। उनके जीवन में मानो गरीबी इतनी थी कि कभी कभी उन्हें क्या करना पड़ता था, भूखे पेट ही सोना पड़ता था। आर्थिक तंगी के चलते गेल ने कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी थी। हाईस्कूल के बाद पढ़ाई से नाता टूट गया उनका। एक इंटरव्यू में क्रिस गेल ने अपनी बचपन के संघर्ष को याद करते हुए बताते हैं कि उन्हें अपना पेट भरने के लिए सड़क पर कचरा बीनना पड़ा। इनमें से प्लास्टिक की बोतल छांट कर बेचते और जो पैसा मिलता उससे अपने पेट की आग को शांत करते थे। वे बताते हैं कि एक बार घर में खाने को कुछ भी नहीं था, जोरों से भूख भी लगी थी, तो उन्होंने क्या किया, पैसे भी नहीं थे उनके पास, जिसके चलते उन्हें चोरी भी करनी पड़ी थी। ये सब सुन के आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा ना कि गेल का बचपन बहुत भयानक था। ऐसा किसी के साथ ना हो। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, उनकी फैमिली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओके, उनकी फैमिली में कुल मिला के 7 लोग रहते थे। पहले उनके पिता, उनका नाम क्या है, डडली गेल। फिर उनकी माँ, उनका नाम क्या है, हेजल गेल। उसके बाद उनके भाई वकलीव पेरिस और वेन गेल। फिर शादी के बाद पत्नी नताशा बेरीज और बेटी ब्लश और वो खुद, ऐसे कुल मिला के 7 लोग रहते थे। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्रिस गेल के क्रिकेट के बारे में। क्रिस गेल का जीवन बेहद संघर्ष के दौर से गुजरता रहा। एक तरफ आर्थिक तंगी, दूसरे तरफ उनका क्रिकेटर बनने का सपना था। एकेडमी में ज्वाइन करने के लिए पैसों की कमी थी। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, गरीबी के आगे उनके संघर्ष और मेहनत ने बाजी मारी। वे लगातार गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते रहे। गेल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के साथ ही गेंदबाजी भी करते। फिर इन्हें जमैका में लुकास क्रिकेट क्लब की तरफ से खेलने का मौका मिला। साल 1998 में प्रथम श्रेणी मैच में खेलने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां गेल ने अपनी बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया। उसके बाद जल्द ही उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने राष्ट्रीय सिलेक्टरों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इन्हें नेशनल टीम में खेलने का भी मौका मिला। 19 साल की उम्र में ही भारत के खिलाफ अपना पहला वनडे मैच खेलने का उन्हें मौका मिला, लेकिन उन्हें अपने खेल से प्रभावित नहीं कर पाए। घरेलू क्रिकेट में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले क्रिस गेल का बल्ला शुरुआती इंटरनेशनल मैचों में शांत रहा। नतीजा क्या हुआ उसका, टीम से अंदर बाहर होते रहे वो। करीब 4 साल उन्हें संघर्ष करना पड़ा और उसके बाद एक बार फिर भारत के खिलाफ सीरीज में खेलने का मौका मिला उन्हें 2002 में। यहाँ गेल ने खुद को साबित कर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। मतलब इस सीरीज में गेल ने 3 शतक लगाए। इस साल इनका बल्ला भी खूब चला। उन्होंने उस सत्र में क्या किया, 1000 रन बनाए और ऐसा करने वाले वेस्ट इंडीज़ के तीसरे खिलाड़ी वो बने। इससे पहले यह कारनामा दिग्गज बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स, वो आपको मालूम होंगे, ब्रायन लारा के नाम था। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार अपने शानदार प्रदर्शन से वेस्ट इंडीज़ को कई मैच जिताए। फिलहाल साल 2019 में उन्होंने क्या किया, क्रिकेट से संन्यास ले लिया। एक आपको मैं घटना बताता हूँ क्रिस गेल के बारे में। साल 2005 में वेस्ट इंडीज़ की टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थी। उस दौरान गेल ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे थे। उस सीरीज़ के एक मैच में क्रिस गेल मैच खेलते हुए चक्कर खाकर गिर गए। दर्शक से लेकर हर कोई आश्चर्य में था कि हट्टा कट्टा इंसान इस तरह से अचानक गिर गया था।
फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसको लेकर गेल ने साल 2016 में अपनी आत्मकथा सिक्स मशीन की लॉन्चिंग के समय किया था। उन्होंने 2005 में उस मैच के समय के दौरान अपनी बीमारी को लेकर बताया कि अस्पताल में इलाज के दौरान उन्हें पता चला है कि उनके दिल में छेद है। डॉक्टर्स की सलाह पर उन्होंने तत्काल ऑपरेशन करा लिया था। उनका ऑपरेशन सफल भी रहा था। गेल इस बीमारी के बारे में अपने परिवार को भी नहीं बताया था। क्रिस गेल ने भले ही इंटरनेशनल मैच में संन्यास ले लिया हो, लेकिन कई देशों की बड़ी लीग में अभी भी इन्हें खेलते हुए देखा जा सकता है। वही विश्व की सबसे लोकप्रिय क्रिकेट लीग IPL 2020 में किंग्स इलेवन पंजाब की टीम में वे शामिल है। IPL में गेल के नाम कई बड़े रिकॉर्ड्स हैं। इनके नाम व्यक्तिगत सर्वाधिक स्कोर का रिकॉर्ड भी इनके नाम है। उन्होंने एक मैच में सबसे अधिक 175 रन बनाए थे। इसके साथ ही IPL में सबसे अधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज की सूची में भी क्रिस गेल पहले ही स्थान पर है। एक पारी में तो उन्होंने सर्वाधिक 17 छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है। तो ऐसे बहुत रिकॉर्ड्स क्रिस गेल ने अपने नाम पर कर दिए। इस रिकॉर्ड्स के बारे में एक नई वीडियो मैं बनाऊंगा। फिलहाल तो हम अभी यही रुकते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्रिस गेल के हाउस के बारे में, मतलब घर के बारे में। तो क्रिस गेल 3 मंजिला बंगले में अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनका बंगला बाहर से जितना आलीशान है, अंदर से उतना ही खूबसूरत है। आपको बता दें कि घर में स्विमिंग पूल, डांस फ्लोर, थिएटर, बिलियर्ड्स रूम जैसे तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। आपको बता दें कि लग्जरी लाइफ जीने वाले क्रिस गेल $15 मिलियन यानी 99 करोड़ के मालिक है। उन्होंने जमैका में पहाड़ी के ऊपर बेहद आलीशान और शानदार घर बनाया है। उनका यह घर जमैका के टॉप 10 घरों में शामिल भी है। क्रिस गेल की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हें पार्टीज़ का बहुत शौक है। वे कभी भी पार्टी करने का मौका नहीं छोड़ते। क्रिस गेल का घर पार्टी हाउस से कम नहीं है। यहाँ अक्सर पार्टी ऑर्गेनाइज होती रहती है, चाहे वह बर्थडे हो या कोई स्पेशल इवेंट हो। गेल कभी भी पार्टी करने से पीछे नहीं हटते। अभी हम उनके घर के अंदर की बात करते हैं। क्रिस गेल के घर के अंदर हर एक सामान काफ़ी कीमती है। क्रिस गेल के घर की बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, सोफे और लैंप, हर एक चीज़ काफ़ी खूबसूरत है। इसके अलावा आपको बता दें कि क्रिस गेल को नीचे से भी काफ़ी लगाव है। उन्होंने अपने घर के अंदर शोकेस में छोटे छोटे पौधे लगा रखे हैं। इसके अलावा उन्होंने घर में बाहर भी काफ़ी पेड़ पौधे लगा रखे हैं। तो लाखों लोगों का सपना होता है कि उनका घर बेहद आलीशान है, जिसमें स्विमिंग पूल और वहाँ से आप पूरा शहर देख सकें। लोगों का जो ये सपना होता है वह क्रिस गेल ने सच कर दिखाया है। वेस्ट इंडीज क्रिकेटर की स्विमिंग पूल से पूरे शहर का नज़ारा बेहद सुंदर दिखता है, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। स्विमिंग पूल में आराम कर रहे हैं क्रिस गेल और अपनी ज़िंदगी की शांति के पल बिता रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं क्रिस गेल के बेडरूम के बारे में। क्रिस गेल ने अपनी बेडरूम की छत पर भी काफ़ी खूबसूरती से काम कराया है। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि क्रिस गेल आराम से पलंग पर लेटे हैं और उन्होंने अपने बेडरूम की छत की तस्वीर ली है। उन्होंने अपने रूम की छत में आईने लगाए रखे हैं, जो कि उनके बेडरूम का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है। इसके साथ ही क्रिस गेल के पलंग के साइड में आपको वाटर कलर के पर्दे लगे देख रहे हैं, जो कि उनके बेडरूम को एक क्लासी लुक दे रहा है। हालांकि गेल के इस आइडिया से आप भी इंस्पायर होकर अपने रूम की छत पर आईना लगवा सकते हैं। यह आइडिया भी बहुत अच्छा है। क्रिस गेल को अपने घर की छत सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ से शाम का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखता होगा। तो क्रिस गेल ने अपना घर पहाड़ के ऊपर बनवाया है, किस लिए? जिसकी वजह से उनके छत से पूरा शहर का नज़ारा साफ दिखता है। साथियों, इस फोटो में आप देख सकते हैं कि क्रिस गेल आराम से बैठे हैं और खुली छत के नीचे अपनी शाम का आनंद ले रहे हैं। चलो, अब तो घर की बात हो गई, अब बात करते हैं उनके कार कलेक्शंस के बारे में। क्रिस गेल को गाड़ियों का बहुत शौक है। उनके पास 101 मोस्ट एक्सपेंसिव गाड़ियां हैं। उनके पास कुल मिला के 8 गाड़ियां हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि उनके पास कौन कौन सी गाड़ियां अवेलेबल है।
सबसे पहले तो उनके पास मर्सिडीज़ बेंज गाड़ी है, मोस्ट एक्सपेंसिव गाड़ीज। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी गाड़ी आती है उनके पास, है रेंज रोवर गाड़ी। उसके बाद तीसरे गाड़ी का नंबर क्या, नाम क्या है, मर्सिडीज़ बेंज गो 63 AMG, ये भी गाड़ी उनके पास है। गाड़ियों के ऊपर उन्हें हर तरह के फ़ोटो खींचना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो चार नंबर की गाड़ी कौन सी है उनके पास, लैम्बर्गिनी एवेंटेडोर SVJ रोडास्टेर, ये चार नंबर की गाड़ी उनके पास है। पाँच नंबर की कौन सी गाड़ी है, बेंटली कॉन्टिनेंटल GT कन्वर्टेबल, ये भी गाड़ी उनके पास है। उसके बाद की गाड़ी कौन सी है, फरारी 458 स्पाइडर। देखो अभी हमने देखा कि क्रिस गेल को गाड़ियों से बहुत लगाव है, इसलिए उनके पास 101 गाड़ियां है। तो अभी हमने गाड़ियों के बारे में बात की, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्रिस गेल को क्या क्या पसंद है, मतलब क्रिस गेल के कौन कौन फेवरेट हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिस गेल के फेवरेट फूड्स के बारे में, उनको खाने में उनको क्या क्या पसंद है। उनको खाने में एक्की एंड साल्ट फिश पसंद है, इंडियन रेसिपीज भी उन्हें अच्छी लगती है और इंग्लिश फूड्स भी उन्हें अच्छे लगते हैं। अब बात करेंगे उनको फेवरेट एक्ट्रेस कौन है। उनकी फेवरेट एक्ट्रेस है एक आलिया भट्ट और दूसरी दीपिका पादुकोण। अब हम बात करेंगे उनके बेस्ट फ्रेंड कौन है, उनको कौन सबसे ज़्यादा दोस्त के लिए अच्छा लगता है। विराट कोहली, इंडियन क्रिकेटर। उसके बाद हम बात करेंगे उनके फेवरेट स्पोर्ट्स कौन है, उन्हें खेल में क्या क्या पसंद है। पहले तो हमें सबको पता है कि उनको क्रिकेट तो खेलना पसंद होगा ही, उसके बावजूद और एक गेम उनको पसंद है, सॉकर। अब बात करेंगे उनके फेवरेट फुटबॉल चैम्पियन कौन है, मतलब फुटबॉल प्लेयर कौन से उनको अच्छे लगते हैं। मैराडोना, डेविड बेकहम एंड रोनाल्डिनो। अब हम बात करेंगे उनके फेवरेट एक्टर कौन है। पहले हमने क्या फाइंड आउट किया कि उनके फेवरेट एक्ट्रेस कौन है, अब क्या देखेंगे उनके फेवरेट एक्टर कौन है। अमिताभ बच्चन और कर्टनी वाल्स। अब हम बात करेंगे उनको कौन सी वेबसाइट सबसे ज़्यादा पसंद है, उनको ट्विटर सबसे ज़्यादा पसंद है। अब हम बात करेंगे कि उनको उनकी फेवरेट कार कौन सी पसंद है, उन्हें कौन सी कार में ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं, वो एक ऑडी और सेकंड BMW। अभी अभी हमने जान लिया कि क्रिस गेल को क्या क्या पसंद है, उनको क्या क्या फेवरेट है। अब हम बात करेंगे कि वो कितना कमाते हैं, मतलब उनकी सैलरी कितनी है, नेटवर्थ कितना है, ये सब हम अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उनके सैलरी की बात करते हैं कि वो साल में कितना कमाते हैं। तो उनकी सैलरी कितनी है, एनुअल सैलरी 35 करोड़ रुपीस, मतलब वो साल का 35 करोड़ कमाते हैं। उसके बाद उनकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स कितनी है, 182.7 करोड़ रुपीस। उसके बाद लग्जरियस कार कितनी है, 7 करोड़ रुपीस की। उसके बाद रिम्यूनरेशन वो कितना लेते हैं, मानधन 5 करोड़ रुपया। उसके बाद ब्रांड एंडोर्समेंट फीस उनकी कितनी है, 203 करोड़ रुपया, मतलब एडवर्टाइज की जो फी कितनी लेते हैं वो 203 करोड़ रुपया। तो क्रिस गेल का नेटवर्क कितना है, मतलब वो साल का कुल मिला के कितना रुपये कमाते हैं, 258 करोड़ रुपीस। तो अब हमारे सब पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अब आपको क्रिस गेल वाकई में पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बता दें कि आगे मैं किस प्लेयर के बारे में वीडियो बनाऊँ। ओके, धन्यवाद।